भाई बंचारी गांव जो एक ऐतिहासिक गांव है, एक ऐतिहासिक धरती है, और इतना बड़ा काम आज भगवान दाऊ के चरणों में बंचारी गांव में होने जा रहा है। और भारत माता की जय में इतनी बड़ी कंजूसी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज यहां पर इस बंचारी गांव की सरदारी बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, और यहाँ इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारी विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राज नेहरू जी, अभी उन्होंने सुना भी आपने, उनके उन्होंने बताया कि किस तरीके से भगवान दाऊ का कश्मीर से संबंध है, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं बताई, इस धारा 370 की जो सराहना हो रही है, खुद राज नेहरू जी कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, कश्मीर के रहने वाले। तो सबसे ज्यादा इसका प्रभाव हम जितने भी लोग हैं उससे क्या पड़ेगा, किस तरीके का होगा, राज नेहरू जी से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, कोई ज्यादा इसका अनुभव नहीं कर सकता। और यह मंच पर आसीन जिला परिषद की चेयरमैन हमारी बहन चमेली देवी, और हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई जवाहर सिंह सरोन, महरचंद गहलोत जी, सरपंच राजेंद्र सिंह जी, और अभी यहाँ पर मेरे साथ आए विजय शर्मा जी जो खादीग्राम बोर्ड के मेंबर हैं, भाई घीसाराम जी, देवी राम प्रधान जी, और जिला पार्षद भाई राम निवास तंवर जी, और अभी रंजीत जी ने पूरा गांव की तरफ से जो एक मांग पत्र मुझे दिया, तो मैं सभी लोगों का, पत्रकार छायाकार दोस्तों, और खासकर ये प्यारे बच्चे जिन्होंने इतना अच्छा आयोजन यहाँ पर देशभक्ति के गीतों से उत्प्रोत होकर जो कार्यक्रम करा वो, और यूनिवर्सिटी के जितने भी लोग जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम को तैयार कराया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज ये भारत का 73वां स्वतंत्रता दिवस है, राखी बंधन का भी त्यौहार है, तो मैं सबकी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये 73वां जो स्वतंत्रता दिवस है, अपने आप में जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है एक पहला ऐसा ऐतिहासिक दिन है कि जिस दिन इस स्वतंत्रता दिवस में लोगों को उस तरीके की खुशी है जैसा 1947 में हुआ था। मित्रों, पिछले 5 सालों में जब से देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी का शासन है, बहुत सारी चीजों से हमें नई आजादी दिलाने का काम किया। यहाँ पर मेरी माताएं बहने बैठी हैं, घर घर 9 करोड़ शौचालय बनाकर उस जो खुले में शौच से मुक्ति दिलाने पर आजादी दिलाने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। घर घर गैस कनेक्शन देकर 7 करोड़ गैस कनेक्शन देकर इस धुएं से मुक्ति दिलाने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। 4 करोड़ घरों को बिजली पहुंचाकर उनको आजादी का अनुभव कराने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, बहुत सारे ऐसे काम हैं, उन लोगों को जिनके घर में कोई बीमार हो जाता था, किस तरीके की मानसिक यातना झेलनी पड़ती थी, और सामाजिक प्रताड़ना, कोई जमीन गिरवी रखता था, उन सबसे मुक्ति दिलाने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इस बार जब अपने शासन की दूसरी पारी खेलने का वक्त आया, तो इस 70 साल पुरानी समस्या को खत्म करने के लिए 70 दिन पूरे नहीं होने दिए, उससे पहले ही हिंदुस्तान की जनता की नब्ज को जानते हुए और अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो कश्मीर एक भारत का अभिन्न अंग था, उसे अभिन्न अंग बनाने का, उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, धारा 370 और 35 से हटाने का क्या मतलब है, ये कश्मीरियों की तरक्की का रास्ता खोलने का काम किया, कश्मीर की डेवलपमेंट का रास्ता खोलने का काम किया। और हमारी मुस्लिम बहनों को जो सिर्फ तलाक तलाक बोलकर उन्हें छोड़ दिया जाता था, 3 तलाक नामक कानून को निरस्त करके उनसे मुक्ति दिलाने का काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया।
तो मित्रों ये अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है कि आज का जो स्वतंत्रता दिवस है 1947 के स्वतंत्रता दिवस से किसी तरीके से कम नहीं है। और आज का दिन जो राज नेहरू जी ने चुना कि बंचारी की समस्याओं का अंत का दिन भी ये 15 अगस्त इन्होंने चुना, इसके लिए भी मैंने धन्यवाद दिया। भगवान ताऊ के चरणों में आज यहाँ जो बंचारी की सरदारी मेरी मातृशक्ति बैठी है, मैं इनके सामने एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको। अभी रंजीत सिंह जी ने एक डिमांड करी कि हमारे गांव की परिक्रमा सड़क पूरी होनी चाहिए, हमारे गांव के अंदर एक यात्री निवास होना चाहिए। तो मैं इस गांव की सरदारी और गांव के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि अगले एक साल के अंदर ये गांव को देखने देश विदेश से लोग आएंगे, इस तरीके का डेवलपमेंट इस गांव के अंदर होगा। इस गांव के अंदर सीवर की समस्या को खत्म करके नया सीवर डाला जाएगा। अभी एक भाई आए थे कि हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, इस गांव में कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जिसमें टूटी का पानी उसके घर चलता है। और अभी कहा गया कि हमारे गांव के अंदर रोजगार के लिए कोई आईटीआई कोई स्किल डेवलपमेंट का सेंटर खोल दे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने सारा सर्वे करा रखा है, 11,555 लोग रहते हैं और 1,870 घर है, सब घर में से दो दो लोगों को नौकरी मिलेगी, इस तरीके का संकल्प विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी ने लिया है। तो इस बंचारी गांव को विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करने का गोद लेने का काम कर रही है और देश नहीं विदेश से भी लोग देखने आएंगे कि एक गांव का जब नवीनीकरण होता है तो किस तरीके का होता है, जब स्किल विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी जब इसमें काम करती है। तो इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट हमने सर्वे करा के बना ली है कि कितनी रोड बननी है, कितना सीवर डलना है, कितने पानी की समस्या खत्म होनी है और क्या क्या कोर्स लगाकर यहाँ पे बच्चों को दक्ष किया जाए, बुजुर्गों को माता बहनों को ट्रेनिंग की जाए कि इस गांव के अंदर हर व्यक्ति को काम मिल सके। घर के अंदर कम से कम दो दो व्यक्ति कमाने वाले होंगे तो इस गांव का नजारा कुछ और ही होगा। तो मित्रों एक ऐतिहासिक, ये जो 800 साल पुराना जो बंचारी का इतिहास है और 300 साल के जो ये जो गाने, जो हमारी चौपाइयां, जो हमारी जिस भी तरीके के तरी तरीके के फोक डांस की जो कलाएं हैं, ये 300 साल से प्रचलित हैं लेकिन ये विलुप्त होती जा रही है। इसके बारे में सोचा कि ये ब्रज की ऐतिहासिक धरती है और हरियाणा की एक धरोहर है कि नगाड़ों पर डांस करना और नगाड़ों को बजाना। तो मित्रों हमने सोचा कि इस गांव के नगाड़ों को, इन वाद्य यंत्रों को एक नया रूप दिया जाए। जितने भी गाने, जितने भी चौपाइयां, जितने भी आप लोगों के उपकरण हैं, इनको नवीनीकरण किया जाए और इन चौपाइयों, इन गानों का एक पूरा का पूरा शोध करके, उनको देख के, उनकी ऑथेंटिसिटी करके, उनको एक किताब के अंदर एक ग्रंथ के रूप में बनाने का काम विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी ने किया कि आने वाली जनरेशन भी जान सके कि किस तरीके के गाने, किस तरीके का लोक नृत्य इस गांव का होता था, इस गांव का इतिहास क्या है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जो काम स्किल यूनिवर्सिटी विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी ने जो किया है तो आने वाली हजारों सालों तक इस गांव का इतिहास विलुप्त तो नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ियां जानेंगी कि इस गांव के अंदर किस तरीके की कला थी और उस कला को हम आगे तक ले जाने का काम करेंगे। वो दिन दूर नहीं, इसमें यूनिवर्सिटी के अंदर नए नए कोर्स हमने शुरू किए। इस जो नगाड़े बजाने से लेकर इन नगाड़ों को नया रूप दिया जाएगा, बच्चों को कॉलर माइक दिया जाएगा, नए नए हारमोनियम और नए नए वाद्य यंत्र देकर वो दिन दूर नहीं जब बंचारी के बच्चे कोई अमेरिका में, कोई इंग्लैंड के अंदर, कोई सिंगापुर, कोई हांगकांग के अंदर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा होगा इन नगाड़ों वहां पर। तो मित्रों ये गांव एक ऐतिहासिक गांव है, उसी बात को देखते हुए किस इतिहास को हम पूरे विश्व तक ले जाने का काम करेंगे, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा काम कर रही है। मैं राज नेहरू जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा क्योंकि राजनीतिक लोग थॉट तो बहुत रखते हैं लेकिन उसको कहते हैं ना काम में लाना, उसको उसके लिए कार्रवाई में डालना
और उन शब्दों को सार्थकता में पिरोने का काम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी राज नेहरू जी ने किया है। तो मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस ऐतिहासिक गांव को पूरे विश्व के अंदर पहुंचाने का, इस कल्चर को पहुंचाने का जो जिम्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी ने लिया है। तो मित्रों, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि विपुल गोयल बोलता कम है करता ज्यादा है, तो इसलिए आपके गांव में भी तब आए हैं जब कुछ कर आए हैं, और अगली बार जब आएंगे कुछ इस गांव के अंदर हो जाएगा तब आप लोगों से रूबरू होंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो दिन दूर नहीं, इस गांव के इतिहास को भी और इस गांव के लोगों को भी पूरे विश्व के लोग देखेंगे कि किस तरीके का यहाँ पर इतिहास था और किस तरीके की कला इस गाँव के लोगों में। तो मैं आज राखी का त्यौहार है, सुबह 7 बजे घर से निकले थे, पलवल में झंडा फहराया, तो मेरी बहनें यहाँ पर बहुत बैठी, ये बहन जी कह रही है आईटीआई की घोषणा कर दो। अरे आईटीआई के अंदर तो नौकरी मिले ना मिले, इन्हें ऐसे ऐसे कोर्सेज करा देंगे कि हर घर घर के अंदर दो दो लोगों को नौकरी मिलेगी। ये हमारी जिम्मेवारी है, आईटीआई से भी बड़ा काम हम लोग यहाँ पर गाँव के लिए करने जा रहे हैं। चाहे इसके लिए हमें आईटीआई लानी पड़े, चाहे स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खोलने पड़े, जो भी काम करना पड़ेगा हम लोग इस गाँव के लिए करें। तो इसलिए मेरी बहनें बैठी हैं, क्योंकि घर पर भी बहनें आई हुई हैं, अभी तक राखी नहीं बंधवाई है, उन्होंने खाना भी नहीं खाया होगा, तो मेरा भाई के नाते भी दायित्व है कि मुझे जल्दी पहुंचना है, फिर किसी दिन आपसे डिटेल में बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि ये कह रहे हैं दाऊ जी का। अरे हमारी रिपोर्ट के अंदर 2,70,00,000 रुपए का एस्टिमेट दाऊ मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए बनाया है। दाऊ मंदिर को ठीक करने के लिए 2,70,00,000 रुपए का एस्टिमेट हमारी डिटेल रिपोर्ट के अंदर है। मैंने कहा ना कि हम कहते कम है करते ज्यादा है, जिस दिन हो जाएगा उस दिन बताना, कोई कमी रह जाए तो वो भी हम पूरी कर देंगे।